मेरे बेटे का नाम हसन है। जब ये पैदा तो बिल्कुल सही हुए थे, बस 3 महीने के बाद इनकी ना आँखों में चीपड़ आने लग गए थे। तो जब हम इनको करीबी हॉस्पिटल लेके गए तो कह रहे इनकी आँख में ना इन्फेक्शन हो गया। फिर उन्होंने इन्फेक्शन की दवाई दी, ड्रॉप दिए थे और ट्यूब दी थी, तो वो हम डालते रहे। तो फिर हमारे शोर ने देखने लगे, कहने लगे ये 2-3 दिन से आँखें नहीं खोल रहा था। फिर जब उन्होंने इसकी आँखें खोल के देखी तो एक आँख में इनके डेले में सुराख हो गया, तो दूसरी वाली आँख पे इसकी सफ़ेदी आ गई थी। वो फिर जोर में डॉक्टर हैं, आँखों के स्पेशलिस्ट वहाँ ले गए थे, उन्होंने इनका एक टेस्ट करा। टेस्ट करने वाले उन्होंने ये बताया कि अंदरूनी को ऐसा टेम्परेचर है जो इनकी आँखों को शूट कर गया। ऐसा हुआ कि इस बच्चे के साथ एक आँख में बच्चे की हमारी ज़ाया ही हो गई। हम ये कि नहीं पूरी पूरी रात भर सोते नहीं थे, क्योंकि हमें कितने डॉक्टरों ने बोला था कि इसकी आँख फट जाएगी। हम रात में भी जब सोते थे ना तो हम इसको घड़ी घड़ी देखते रहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आँख फट गई हो। उसके बाद से हमने कराची के बहुत बड़े नामी ग्रामीण अस्पतालों में गए, पर हम मायूस हो गए। भाई दिया आगा खान है जहाँ हमारे को उम्मीद जागी और माशाल्लाह आज हमारा बच्चा इस काबिलियत के देख सकता है। जब हमने डॉक्टर हारून तैयब से अपने बच्चे के बारे में पूछा तो कहने लगे नहीं बच्चा सही हो जाएगा। हारून तैयब तो हमारे लिए फरिश्ते की तरह बनकर आए। जिस दिन पे हसन हमारे पास अपने वालिद के साथ हॉस्पिटल में आए थे तो वालिद ने उनको गोद में उठाया हुआ था, क्योंकि हसन को कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, ना वो चल सकते थे ना ही वो मेरे हाथ मिलाने में मेरे हाथ को पहचान सकते थे। और मेरा बच्चा आज अल्लाह का शुक्र है कि एक आँख से देखने लग गया। अब माशाल्लाह ये कि देखते भी हैं, पूरे घर में भी हमारे घूमते हैं, बहुत हमें खुशी होती है। वाहिद आगा खान है जहाँ से हम अल्लाह के करम से, और आगा खान वाले को अल्लाह पाक इनको और नाम दे और इनका मेयार ऊंचा करे अल्लाह पाक, इनकी तरफ से हमें बहुत खुशी हुई है। अगर हसन अपनी प्रेजेंटेशन में लेट हो जाते तो शायद बाई आँख का भी वही सूरत हाल बन जाती जो कि दाई आँख की बन चुकी हुई है, वो नाकाबले इलाज हो जाता। पर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह ने हमारे को आगा खान तक ले के आया, आज माशाल्लाह हमारा बच्चा जो है वो। तो मेरे पीछे भी लगता है ना, पहले हम लोग बाजार वगैरह कहीं जाते थे तो पीछे नहीं लगता था, अब तो पीछे भी लगता है हमारे वहाँ।